Hi beautiful, welcome to my channel. I'm Asha. कोई गेस कर सकता है आज मैं आप लोगों के लिए कौन सा वीडियो लेके आई हूँ? नहीं जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लिपस्टिक से ये फुल मेकअप जो मैंने केवल लिपस्टिक से किया है और ये बहुत ही अच्छा है और इसको आप लोग कहीं बाहर नहीं कर सकते हो। केवल ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, मैं देखना चाहती थी क्या हम लिपस्टिक के साथ फुल मेकअप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, केवल लिपस्टिक का यूज़ किया हुआ है। तो गाइस आप लोग मुझे ज़्यादा जज मत कीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ये खूबसूरत नहीं लग रहा है या ऐसा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है। ये केवल एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने फन वे में किया है, थोड़ा सा देखना चाहती थी। तो चलिए देखते हैं ये मैंने कैसे किया है। मैंने यहाँ पे अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं, होठों पे भी कुछ नहीं है और आइज़ में भी कुछ नहीं है। तो देखते हैं हम ये कैसे करते हैं। चलो फिर देखें कैसे करते हैं ये मेकअप लिपस्टिक वाला। तो यहाँ पे पहले मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगी रोज़ वाटर। ये मेकअप करने से पहले का जो मैं बेस होता है वो मैं रेडी कर रही हूँ अपने चेहरे पे, वो सब चीज़ें लगा रही हूँ। तो ये गुलाब जल मैंने लगाया है और इसको डैप डैप करके लगाया है। गुलाब जल एक टोनर का भी काम करता है आपके चेहरे पे और ये काफ़ी अच्छा कर देता है। उसके बाद मैं ये जेल लगाऊंगी, एलोवेरा जेल, जो हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज़र भी करता है, सनस्क्रीन का काम भी करता है और इसे मैं अपने लिप्स पे भी लगा रही हूँ ताकि मेरे होंठ अच्छे रहें, सॉफ्ट रहें और सनबर्न ना हो। मैं हमेशा अक्सर लगाती हूँ एलोवेरा और मॉइस्चराइज़र। जब भी मैं अपने चेहरे पे कोई भी प्रोडक्ट लगाती हूँ तो मैं ज़रूर लगाती हूँ उसे भी अपने लिप्स पे। अब यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लिया है लैक्मे का, उसे भी मैं अब डैप डैप करके अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं यहाँ पे लैक्मे का मॉइस्चराइज़र है ये लगाऊंगी और इसको भी मैं अपने चेहरे पे डैप डैप करते हुए लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं ये फेस प्राइमर और आई प्राइमर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा अपने चेहरे पे जो मेकअप मैं कर रही हूँ उसके लिए एक बेस प्रोवाइड हो जाए और थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फिंगर टिप की मदद से लगा रही हूँ और ये मेरा लग चुका है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। और ये मैंने लाइट ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली है जो बहुत ज़्यादा स्किन कलर की है। मेरे पास इसके अलावा और कोई कलर नहीं था, जो भी शेड थे उसमें थोड़ा बहुत पिंकिश टच आ रहा था, केवल यही एक शेड था जिसमें थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा था और ये मेरे स्किन टोन से मैच नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैंने इसको एक फाउंडेशन की तरह अपने पूरे चेहरे पर लगाया है और मैंने यहाँ पे फाउंडेशन नहीं लगाया है, केवल फाउंडेशन की जगह मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ और इसे भी मैंने अच्छे से चारों तरफ से लगा लिया है। उसके बाद मुझे ये सही नहीं लगा तो मैंने थोड़ा सा और उसको अपने चेहरे पे लगाया है इस लिपस्टिक को और इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने हाथ की मदद से। उसके बाद मैंने ये डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली है, इससे मैं अपने फेस पे कंटूरिंग कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा शेड है। मैंने इसको कभी अपने लिप्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे ये फाउंडेशन ब्रश से इसको स्मज कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये उससे स्मज नहीं हो रहा है तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे भी नहीं हुआ तो फिर मैंने अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल किया क्योंकि ये लिपस्टिक थोड़ी बहुत हार्ड थी और मैट उसमें थी तो ये मिक्स नहीं हो रही थी, अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रही थी स्किन के साथ। तो मैंने अपनी फिंगर से ही इसको अच्छे से ब्लेंड किया है जैसा कि आप देख सकते हैं और ये
बहुत मुश्किल हुई मुझे ब्लेंड करने में, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम इस वाले लिपस्टिक से हुई, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया मेरा। और इसी लिपस्टिक से फिर मैंने अपनी आईब्रो को भी फिल किया है सेम इसी कलर वाली लिपस्टिक से, जो कि बहुत अच्छा उभर के आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मैंने अपनी आईब्रो को एक लिपस्टिक से फिल किया हुआ है। और देखिए ये कितना सही लग रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहाँ स्पूली से इसको स्मज कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैं ये फेस पाउडर लगाने जा रही हूँ अपने चेहरे पे, क्योंकि जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी फाउंडेशन की जगह, उसको सेटल करने के लिए मुझे ये फेस पाउडर लगाना पड़ा। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि लिपस्टिक एक चिकनाहट के साथ होती है और चिपचिपी महसूस होती है, ड्राई नहीं होती। अब सेम लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे काजल की तरह उसे अपने आईज़ में लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने अपनी दोनों आईज़ में लगा लिया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने ये वाला शेड लिया है और इसे अपने आउटर वाली क्रीज पे लगाया है, और जो कि बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद मैंने ये वाला शेड अपने लोअर क्रीज पे लगाया है, क्रीज से थोड़ा नीचे की साइड, और इनको अच्छे से ब्लेंड करते हुए आपस में मैं इस शेड को लगा रही हूँ इस ब्रश की मदद से। फिर मैंने ये वाली लिपस्टिक का शेड लिया है और ये थोड़ा मेहरून टच में है, रेड कलर में। मैं गाइस आप लोगों को एग्जैक्ट कलर तो नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं बता पाऊँ। तो मैं यहाँ पर ब्रश की मदद से इसे भी अपने आईज़ पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये वाला शेड लिया है और इसे भी इस आईज़ पे लगाते हुए अच्छे से ब्लेंड किया है, ताकि सारे जो कलर हैं मेरे आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। और लास्ट में मैंने फिर ये वही लाइट लिपस्टिक वाला शेड लिया है और उन सबको ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि मेरे आईज़ पे बहुत ज़्यादा रेड कलर लग गया था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैंने वो दोबारा से वो कलर लगाया था। और अब मैंने ये ऑरेंज और रेड का मिक्स है ये वाला शेड अपने सेंटर में आई बॉल पे लगा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा शेड है। ये मैं ग्लिटर लुक देना चाहती थी, लेकिन ये इतना अच्छा आ नहीं पाया है। और लास्ट में मैंने सेम उसी डार्क ब्राउन वाली लिपस्टिक से अपने ये लाइनर लगाया है और थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे भी लगाया है, लेकिन बाद में ये लाइनर मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, तो मैंने इसको साइड से हटा दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लश के लिए इस लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे डॉट डॉट करके अपने चिक पे लगा रही हूँ, और फिर फिंगर की मदद से मैंने लिपस्टिक को ब्लेंड किया है, ब्रश की मदद से नहीं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जो लिपस्टिक होती है वो क्रीम होती है और मैट उसमें होती है, तो ब्रश की मदद से उसको मिक्स करना मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैं अपने आईज़ पे मस्कारा लगाने जा रही हूँ, जो मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी, तब तक के लिए बाय। और देखिए मैं आ गई जल्दी से लगा के। मैंने यहाँ पे फॉल्स लैशेज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैं ये सिंपल रखना चाहती थी लुक। और इसी सेम शेड से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है अपने आईज़ को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसी से ही मैं अपने चेहरे को भी हाईलाइट करने वाली हूँ, जो जो हाइलाइटर पॉइंट है उन सब पे। और ये मैंने शुरू कर दिया है अपने चेहरे को हाईलाइट करना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से लगाया और ये लग भी अच्छा रहा है। इसने ज़्यादा अच्छा काम तो नहीं किया हाइलाइटर का, बट हाँ थोड़ा बहुत जो भी किया है अच्छा लगा मुझे। और फिर उसके बाद मैं अपने होठों पे ये वाली लिपस्टिक का शेड लगा रही हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मैं कोई भी शेड आपको बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि सब रेड, पिंक और ऑरेंज और मेहरून इन सब के कम्बिनेशन में थे, तो मुझे खुद भी कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो आप लोग को सॉरी इसके लिए मैं नहीं बता पाई। और ये शेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लिप्स पे, और नाउ मैं रेडी हो चुकी हूँ। और यहाँ पे मैंने आज भी थोड़े से अपने बालों को कर्ल्स किया है उसी तरीके से, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो कैसा लगा, चलो अब थोड़ा सा स्टाइल मार लिया जाए, है ना, क्यों, चलो थोड़ा सा स्टाइल ही मार लेते हैं अब, और कुछ नहीं तो। हाँ अच्छी लग रही हूँ मैं, यहाँ से देखूँ ऐसे करके देखूँ या फिर ऐसे करके देखूँ, क्यों, है ना।
हाँ तो भाई तो कैसा लगा मेरा ये स्टाइल? बताओ मुझे कैसा लगा ये स्टाइल, सुंदर है या नहीं है, पसंद आया या नहीं पसंद आया? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय।